अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा, कहा कि बतलाओ कि मिस्कीन कौन है। सहाबे कराम ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल, हम तो ये जानते हैं मिस्कीन वह आदमी है जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोज़ा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हकूक़ की अदायगी में, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को सताया होगा, किसी की जायदाद हड़प कर ली होगी, किसी के साथ गलत फेल अंजाम दिया होगा, ये सारी बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बदला देने के लिए उस बंदे के तमाम आमाल को उठा करके उस आदमी के हवाले कर देगा और उसके बाद में फिर सारी नेकियां उसकी उसको दे देगा, और अगर इसकी खताएं बाकी बचती हैं तो ऐसी सूरत में फिर सामने का जो बंदा होगा उसके गुनाह को उठा करके इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिस्कीन यह आदमी है कि नमाज भी है, ज़कात भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, सदका व खैरात भी है, सारी दीगर इबादतें भी हैं, लेकिन उसने बंदों के हुकूक के अंदर कोताही की होगी। ये बड़ा ही अहम मामला है, नाजुक मसला है हमारे लिए और आपके लिए और पूरी इंसानियत के लिए, और आज हम इसी के अंदर बहुत कोताह नज़र आ रहे हैं। अगर हम हुकूकुल्लाह की अदायगी करते हैं तो हुकूकुल इबाद से कोसों दूर है, हम उसको अदा करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर वो है क्या हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, एक बंदे का दूसरे बंदे पर क्या हक है, हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लाजिम और ज़रूरी है कि हम इस्लामी तालीमात को पढ़ करके, क़ुरान को पढ़ करके, हदीस को पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करें और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको नाफिस करने की कोशिश करें।